नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सभी का। अभी बज चुके हैं 5 और ब्लॉग की शुरुआत मैं सीधा उठने के बाद ही कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं चलती हूँ सीधा किचन की तरफ, जो कि मैं हमेशा ही जाती हूँ। मतलब मेरा दिन की जो शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है, और काफ़ी लेडीज़ की भी होती होगी। तो यहाँ पर पहले मुझे सोचने में लग जाता है कि मुझे बनाना क्या है आज। वैसे तो मैं कल से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो ये मैंने फ्रिज में से अभी निकाले हैं, इनको मैं धो करके फ्रिज में लगा के रखती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर इनको नॉर्मल होने के लिए यहाँ पर रख दूँगी, इसके बाद कट करके और सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके बाद मैं बाहर का वो चेक करती हूँ कि मौसम कैसा है। तो आज मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। देख लो, ये पर्दा उड़ रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हवा चल रही है ठंडी। और ये जब से मैंने ये नेट लगाया है ना कबूतरों वाला, तब से मेरे को व्यू आप लोगों को दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको हटा दूँगी कुछ टाइम बाद। सो यहाँ नीचे भी मैं चेक करती हूँ तो कुछ। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल मस्त चंगे होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। और दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7:30 और सब लोग जा चुके हैं मेरे घर से। तो मैं अभी पूरे घर में अकेली हूँ, मतलब वैसे इस टाइम मैं अकेली रहती हूँ। तो सुबह जो मैं शुरुआत करती हूँ वो ग्रीन टी से करती हूँ, और उसके बाद मैं या तो जूस पीती हूँ, या जूस नहीं होता तो कोई भी फ्रूट मैं खाती हूँ। तो अभी मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, खरबूजा काट करके रखा हुआ है, इसे खाऊंगी। और उसके 1 या 1.5 घंटे बाद मैं करूँगी नाश्ता जम करके, क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है, क्या क्या करती हूँ, सब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी अपने ब्लॉग के थ्रू। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, ये देखो क्या हो गया, ये मैं वहाँ पर, अब ये सूख गया। यहाँ पर मैं टीवी देख रही थी और ये गिर गया सारा। चलो इसको फ्रिज में रखते हैं। दोस्तों, शाम के 6 और मैं आई हूँ अभी शिप्रा सन सिटी के अंदर, क्योंकि इसके हमारे घर के पास यही वाली मार्केट है, इधर रॉयल टावर है। तो यहाँ मैं सामान लेने आई हूँ। सामान वैसे मैं ले चुकी हूँ। ये देखो, आज मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि आज ना वो बनाना नमकीन वाली सेवैया, तो ये उसी का सामान लेकर के जा रही हूँ। मैंने कभी बनाई नहीं है, पर आज बनाऊँगी क्या, पहले तो मैं यूट्यूब में देखूँगी कि कैसे बनाते हैं। तो जो जो सामान चाहिए था वो ले लिया, और बाकी की सब्ज़ियाँ पड़ी हैं, अब जा रही हूँ। और यहाँ से रोड क्रॉस करना है ना, मुझे बड़ा डर लगता है। इन आंटी के साथ साथ मैं कर लेती हूँ। चलो ऊपर चल के, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाऊंगी, और कैसी बनती है टेस्ट में वो खा करके रिव्यू लूँगी। ओके, आ चुकी हूँ मैं घर, और इसको मैं फ़िलहाल रख देती हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ी देर में बनाऊँगी। अभी तो मैं थोड़ा पहले रेस्ट करूँगी, पानी वानी पीऊँगी, जूस वूस पीऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसे बनती है ये। कपड़े चेंज करके आ गई हूँ मैं किचन में, अब तैयारी करते हैं यहाँ से। ये मैं दिखा रही थी कि ये मैं पैकेट लाई हूँ, इसके साथ मैं ये सींग दाना का पैकेट लाई हूँ, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए होते हैं वो सब। ये सामने से ना अंकल, एक्चुअली यहाँ पर ना सामने विंडो है, तो विंडो पे मैंने फ़ोन रखा हुआ था और उसको खोल रखा था, तो सामने वाले अंकल बालकनी से मुझे देख रहे थे, तो मैंने बंद कर दिया। और अब मैंने खिड़की बंद कर दी है। अब यहाँ पर उसमें ये जो फ़ोन है ना, दूसरा फ़ोन, इसमें मैं देखूँगी कि इसको बनाते कैसे हैं रेसिपी। तो मैंने इसको खोल करके रखा हुआ है, तो उसमें वो पहले बता रहा है कि पहले सेवैया को रोस्ट करना है। ये देखो, को कैसी भी हो सेवैया, भले ही वो रोस्टेड हो लेकिन उसको रोस्ट ज़रूर करना है। तो वही मैं देख रही हूँ कि कितनी क्वान्टिटी चाहिए। तो मैं 1.5 कटोरी यहाँ पर ये इसका यूज़ कर रही हूँ सेवैया का, और इसको मैं रोस्ट करूँगी घी में, देसी घी में। आप उसमें भी कर सकते हो, रिफाइंड में भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ करूँगी। तो देख देख के ही मैं बना रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे हमारे घर में पहले भी बना है, लेकिन मैं नहीं बनाती थी, तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। दोस्तों, एक दिल की बात आपको बताती हूँ कि मेरा ना इन चीज़ों से पेट नहीं भरता। मतलब ये जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि सेवियाँ बना लो और पोहा बना लो, उपमा बना लो, लेकिन मेरा जो पेट भरता ना वो प्रॉपर दाल भात और रोटी सब्ज़ी से भरता है। मैं ये चीज़ें एज अ स्नैक्स ठीक है, लेकिन मैं इसे प्रॉपर खाने में नहीं खा सकती।
सो ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना, मैंने ये ग्लास भर के ये घी बनाया था, तो उसी में मैं सेवैयों को रोस्ट करूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने ये पहले ये वाला पैन यूज़ किया था, इसमें मैंने इसको बोला था कि यूट्यूब पे देख के बना रही हूँ, तो इसमें बोला था कि पहले इसको भूनना है, सेवैयों को रोस्ट करना है, अनब हटो। उसके बाद फिर मैंने देखा जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा ये वाला पैन छोटा पड़ जाएगा, तो अब ना मैं इसमें बना रही हूँ। तो घी बोला है तो घी तो मैंने डाल दी है, अब देखते हैं ये गर्म हुआ है कि नहीं। फिर इसमें राई के दाने डालने हैं, ये देखो। इसके साथ जीरा भी डालना है, तो मैं जीरा भी, ये है जीरा। एक हाथ से फोन पकड़ा है, एक हाथ से दूसरे हाथ से, अरे चीनी आ गई, चीनी आ गई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। ये डब्बे एक जैसे हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है, ये चटक गई है, इसको कम कर देते हैं। साथ ही में इसमें बोला है कि ये भी डालो, मतलब जीरे दो दो चीज़ें। चल ये कट करके रखा हुआ है, ये भी करूँगी, बाकी सब्जियां ही डालनी है। पत्ता भी चाहिए था पर कड़ी पत्ता है नहीं, मुझे कड़ी पत्ते का ना पेड़ लगाना पड़ेगा। ऋषि जरा वो पोछो लगाओ इधर, इतने से हो जाएगा। से देखो क्या किया है यहाँ पर, और ऋषि फिर वापस आ जाना, ठीक है? पानी ले गए अपना, नहीं हम रात को खाएंगे वॉक करते हुए। प्याज ने यहाँ पर हल्का सा, उसने बोला है कि जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तब इसमें ना सब्जियाँ ऐड करनी। तो सब्जियाँ तो देखो मेरे पास अभी मैं सिर्फ यही लेके आई थी, गाजर और ये शिमला मिर्च पड़ी थी, ये भी ऐसी हो रही है, झुर्रियाँ हो रही इससे। तो बीन्स भी बोला है, तो बीन्स तो है नहीं, जबकि बीन्स रहती है पर ख़त्म हो गई, तो मैं डालूँगी इसमें। आप ये मैंने स्टोर करके रखी हुई है, आपने से मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन ऐसे ही स्टोर करके रखता है मटर को, सर्दियों वाली मटर को, कि गर्मियों में ना ये बहुत महंगी हो जाती है। तो थोड़ा सा ये मिक्स कर देंगे, है ना, हो जाएगा काम शायद इससे। मैंने इसमें मसाले बॉईल करने के बाद ना वर्मिशली डाल करके इसको ढक दिया है, थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ। देखो अभी ये फूलेगी, फूलने के बाद जब इसका पानी और मॉइस्चर सब ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस, और फाइनल रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वेट करो। तो दोस्तों फाइनली ये रेडी हो चुकी है, वैसे मैंने चेक कर लिया लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ गैस को बंद और इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो अच्छी लग रही है ना शक्ल, मुझे लग रहा बस थोड़ी सी रोस्ट ज़्यादा हो गई इसलिए थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक सी लग रही है, ब्राउन। और मैंने चखा इसकी बहुत टेस्टी हो रही है, इसमें मैंने ना घी और लेमन वाटर डाला है, और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर लेमन जूस, मोजीटो, मिंट मोजीटो। तो इसको गार्निश करूँगी, इसको गार्निश करूँगी धनिया से, और इसमें डालूँगी मैं मिंट। तो अभी मैं इसको पहले कर लेती हूँ, फिर मैं रिव्यू लेती हूँ अपने हस्बैंड का। ओके डिनर हम लोग कर चुके हैं, और रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छी लगी, मेरे बेटे को भी ठीक ठाक लगी, और मुझे भी अच्छी लगी। जैसे कि मैंने बोला था थोड़ी सी रोज़ ज़्यादा हो गई, तो नेक्स्ट टाइम वो मैं ध्यान दूंगी। और दोस्तों अक्सर हम लोग डिनर यहीं पर करते हैं, ये बालकनी है हमारी और वहाँ से ये व्यू है, तो ये पूरा NH-24 है, पूरा हाईवे है, और इसके जस्ट आगे है ये CISF कैंप। तो सुबह हो चाहे रात हो, नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, मतलब आप बोर नहीं हो सकते यहाँ पर बैठ करके ना। आज चल रही है बहुत ही मस्त सी हवा, तो प्लानिंग है नीचे जाने की। वैसे तो हम लोग कभी कभार जाते हैं, मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं नाइट वॉक करूँ खाना खाने के बाद, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मैं बेटे और अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी वॉक पे, क्योंकि आज है मौसम अच्छा महसूस कर, ये जगह दिखाती मैं ऋषि कहाँ जा, देखो ये जगह यहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। आ गई, चलिए लिफ्ट आ गई है, और आइसक्रीम
क्रेविंग हो रही थी मुझे। किसकी क्रेविंग हो रही थी बताओ जल्दी? रसमलाई। रसमलाई की क्रेविंग हो रही थी तो वॉक करते करते यहाँ पर आ गए। पापा लगे लाइन में, लंबी लाइन, लाइन बहुत लंबी रहती है। थर्टी हो गए हैं और तीन चार राउंड तो लगा लिया हम लोगों ने, तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टार्टिंग के लिए। और अब चलेंगे ऊपर, मन तो कर रहा है कि और वॉक करें लेकिन कल स्कूल जाना है, ऑफिस वालों ने ऑफिस जाना है, मुझे भी जल्दी उठना आता है। आप सबको तो पता ही है कि मैं कितने बजे उठती हूँ, और कल के लिए फिर प्रिपरेशन भी कर रही है। छोले भी खाने हैं मुझे, सोच रही हूँ छोले और वो कुलचे बनाऊँ। छोले और कुलचे लाए हो? ये दिखाना, ये देखो ये लाए उसके लिए। कुलचे बोलते हैं, भटूरे बोलते हैं, कुलचे तो कुलचे लेके आए। इसके साथ हम बनाएंगे छोले। छोले बन रही हूँ घर, लाइट ऑन कर देते हैं। और कल के लिए मैं भिगा रही हूँ यहाँ पर छोले, तो आधे तो मैं रख के गई थी, आधे ही एक्चुअली। मैंने ना छोले जो मैं डाल रही थी वो वाला वीडियो मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन करना भूल गई, तो अभी आपको दिखा देती हूँ। यानी सफ़ेद छोले मैं भिगा रही हूँ कल के लिए, क्योंकि जितनी भी लेडीज हैं उनको पता होगा अच्छे तरीके से मैं कल के लिए छोले भिगा रही हूँ। ओके okay. लंच में भी ये खाओगे ना? दोस्तों जितनी भी हाउस वर्किंग लेडीज हैं जो घर का ध्यान रखती हैं उनको पता होगा अच्छे से कि कैसे कल की प्रिपरेशन एक दिन पहले ही करनी पड़ती है, और रात को ही सब कुछ मैनेज, मतलब कल क्या बनेगा, दिन में क्या बनेगा, सुबह क्या बनेगा, वो सब हमें एक दिन पहले ही सोचना पड़ता है। तो मैं कल के लिए भिगा रही हूँ, ठीक है। क्या क्या आ रहा है यार? तो ये था आज कुछ इस तरीके का था मेरा दिन जो अभी तक आपने देखा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी डेली लाइफ जो है वो मैं ब्लॉग के थ्रू जो आप लोग देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होगी। और बस अब कल का जो दिन है वो कल परसों के ब्लॉग में आएगा। तो जितने भी लोग न्यू जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, आप लाइक करना भूल जाते हो। और मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे बने ये छोले, उसकी शक्ल सूरत सब बताऊंगी और टेस्ट भी बताऊंगी, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।